नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, तुर्की में जो जलसला आया है तो तैयब उर्दगार ने पाकिस्तानी वफद को मना किया था कि वह हमारे मुल्क ना आए, क्योंकि यह हर तरफ तबाही फैली हुई है। मगर हमारे वजीर आजम मियाँ शबाज शरीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वहाँ पर वो चले गए हैं, और वहाँ जाकर वही अपनी रंगबाजी और शोबाजी करने शुरू कर दी थी। तो चलते हैं वीडियो में, देखते हैं कि मियाँ शबाज शरीफ ने अब वहाँ जाकर कौन सी हरकतें की हैं। तो चलते हैं वीडियो में और देखिए आप। नाजरीन, आपने देखा कि मियाँ शबाज शरीफ साहब एक बच्चे के साथ अपनी दिली जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक औरत के साथ भी इसी तरह की हमदर्दी का इजहार किया है। लेकिन डॉक्टर शाह मसूद एक ऐसा वाक्य बयान कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के सर शर्म से झुक गए हैं। देखते हैं कि डॉक्टर शाह मसूद अपनी जुबान से क्या बयान कर रहे हैं। गरीब किस्म की खबर है। अच्छा, वहाँ सामान पहुँचाई है सिंध से शायद, और वहाँ सामान पहुँचा उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया। शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता वहां का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है हमारा, ठीक है ना। ये वहां के कौंसलेट जनरल को किसी को खबर दी है तो कितनी क्या एम्बैरेसिंग सिचुएशन। नाजरीन, आपने डॉक्टर शाह मसूद की सारी गुफ्तगू सुनी है, तो वो बता रहे हैं कि किस तरह मियाँ शबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी की है, क्योंकि एक त्यारा पाकिस्तान से इमदाद लेकर वहाँ गया था, तो उस वक़्त जब उनके कौंसलर ने उन पैकेटों को खोला था, वो दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान को जो सैलाब जदगान की मदद के लिए भेजे वही निकले थे। तो ऐसा घटियापन और ऐसी घटिया सोच सिर्फ इन लोगों की हो सकती है जो इंपोर्टेड हुकूमत के गुलाम है। लिहाजा हमें चाहिए था कि अपनी तरफ से इनकी मदद करते। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और निगहबान हो।